नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर मोदी सरकार का जो बीजेपी का लक्ष्य था आज वो पूरा हो गया। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में एक भव्य समारोह में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई और इस भव्य आयोजन में हिस्सा लेने के लिए कई जानी मानी हस्तियां उपस्थित थी। विपक्ष के कई नेता, बड़े नेता उपस्थित थे, अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल उपस्थित थे और बीजेपी के कार्यकर्ता देश भर से आए थे और एक बड़ा समारोह था। 6.5 से 7 हज़ार लोगों ने इसमें शिरकत की। और अगर हम नज़र डालें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मंत्रिमंडल में, तो इसमें कई पुराने चेहरे हैं, कई उनके जो पुराने विश्वस्त चेहरे जो पिछली सरकार में भी थे वो भी इस सरकार में शामिल किए गए हैं। सबसे जो खास नाम है नए चेहरों में वो है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का और उनको महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। माना जा रहा है कि वो वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे, जो कि अभी तक अरुण जेटली संभाल रहे थे। और इस जो मंत्रिमंडल के साथ नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता रहेगी कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जो वादे किए थे उसको पूरा किया जाए और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का जो संकल्प नरेंद्र मोदी ने नेता चुने जाने पर जताया था उसको भी पूरा करने की जिम्मेदारी इस नई कैबिनेट की होगी। आइए नज़र डालते हैं इस कैबिनेट में शामिल लोगों के नामों पर और देखते हैं आज के जो ये शपथ ग्रहण समारोह था उसकी खास झलकियाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल किए गए बड़े नामों की बात करें तो इसमें राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, नितिन गडकरी हैं, डीवी सदानंद गौड़ा हैं, निर्मला सीतारमण हैं, रामविलास पासवान, नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद, हरसिमरत कौर बादल, थावरचंद गहलोत, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, रमेश पोखरियाल निशंक, अर्जुन मुंडा, स्मृति जुबिन ईरानी, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, मुख्तार अब्बास नकवी, प्रहलाद जोशी, डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे, अरविंद गणपत सावंत, गिरिराज सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये वो नाम हैं जिनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। कैबिनेट मंत्री के बाद अगर बात करें हम राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले नामों की तो इसमें संतोष गंगवार, राव इंद्रजीत सिंह, श्रीपद यशव नाइक, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, किरण रिजिजू, प्रहलाद सिंह पटेल, राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी और मनसुख लाल मंडाविया शामिल हैं। राज्य मंत्रियों की सूची थोड़ी लंबी है। इनमें फग्गन सिंह कुलस्ते, अश्विनी चौबे, अर्जुन राम मेघवाल, जनरल वीके सिंह, कृष्ण पाल गुर्जर, दानवे राव साहब, दादा राव जी, किशन रेड्डी, पुरुषोत्तम रूपाला, रामदास अठावले, साध्वी निरंजन ज्योति, बाबू सुप्रियो, संजीव कुमार बालियान, डी एस शामराव, अनुराग सिंह ठाकुर, अंगाड़ी सुरेश, नित्यानंद राय, रतनलाल कटारिया, वी मुरलीधरन, रेणुका सिंह सरुता, सोम प्रकाश, रामेश्वर तेली, प्रताप चंद्र सारंगी, कैलाश चौधरी और देवश्री चौधरी का नाम शामिल है। इनमें जो सबसे ज़्यादा तालियां हैं वो प्रताप चंद्र सारंगी के नाम पर बजी जब उनका नाम शपथ लेने के लिए पुकारा गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह भी ने भी ताली बजाकर इनका स्वागत किया। प्रताप सारंगी ओडिशा से सांसद चुने गए हैं और इनको ओडिशा का मोदी भी कहा जाता है। बहुत सरल जीवन है इनका और इनको पहली बार चुनाव जीत कर आए हैं, राज्य मंत्री बनाया गया है। उड़ीसा से दो लोगों को मंत्री बनाया गया जिनमें धर्मेंद्र प्रधान के अलावा सारंगी शामिल हैं। फिलहाल अब ये जो नया कैबिनेट बना है इसकी शुक्रवार शाम को पहली बैठक बुलाई गई है और इस पहली बैठक में तय होगा कि संसद का सत्र कब बुलाया जाए और जो सांसदों के जो शपथ समारोह है उसको किस अनुसार आयोजित करना है, तो देखना होगा कि आगे की कार्यविधि किस तरीके से चलती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही।